दोस्तों, आईटी कंपनी साइंट के शेयरों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। कंपनी के शेयर पिछले कुछ साल में 15 रुपए के रेट से 900 रुपए के रेट को पार कर गए हैं। दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी के शेयर और तेजी के साथ नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, घरेलू ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी का मानना है कि साइंट के शेयर अभी के शेयर प्राइस से करीब 40% की तेजी के साथ 1250 रुपए तक जा सकते हैं। दोस्तों, साइंट के शेयर 25 अप्रैल 2022 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 905.90 रुपए के रेट पर बंद हुए थे। दोस्तों, आईटी कंपनी साइंट के शेयर 30 मई 2003 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 15.20 रुपए के रेट पर थे। कंपनी का शेयर 25 अप्रैल 2022 को एनएसई में 905.90 रुपए के रेट पर बंद हुआ था। अगर किसी व्यक्ति ने 30 मई 2003 को कंपनी के शेयरों में 1,00,000 रुपए लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो मौजूदा समय में यह पैसा 59.60 लाख रुपए हो जाता। दोस्तों, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 687.70 रुपए है और 52 हफ्ते का हाई लेवल 1292 रुपए है। दोस्तों, घरेलू ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी आईटी कंपनी साइंट के स्टॉक पर उन्होंने कहा है कि ये शेयर ऊपर जाता दिख रहा है, मतलब ये स्टॉक भविष्य में ऊपर जाएगा। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के स्टॉक पर खरीदने की रेटिंग भी दी है। दोस्तों, आनंद राठी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में साइंट के शेयर ने उम्मीद से ज्यादा का प्रॉफिट दिया है। दोस्तों, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 13.9% का मार्जिन डिलीवर किया है, जिससे 51% की ग्रोथ हासिल हुई है और कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में हायरिंग फिर से शुरू की है और सर्विसेज हेड काउंट 13% बढ़ा है। दोस्तों, ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में वेतन बढ़ोतरी औसत से ज्यादा हो सकती है और 2023 में मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2022 के बराबर ही रह सकती है। तो दोस्तों, ये थी साइंट शेयर की न्यूज जो मैंने आप तक पहुंचाई है। अगर इस न्यूज से आपको कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो जरूर लाइक करना और शेयर मार्केट से जुड़ी बहुत सारी वीडियोज मैं लाता रहूंगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।